केजरीवाल ने पढ़ लिया था, मैंने वचन दिया था राजस्थान के किसानों जवानों को, जब भी आपको मेरी आवश्यकता होगी, हनुमान बेनीवाल की आरएलपी पार्टी जो जय जवान जय किसान के नारे के साथ बनी थी, जिसका गठन कर्ज मुक्त किसान, जवान को रोजगार, मजबूत लोकायुक्त, अपराध मुक्त भय मुक्त राजस्थान के नारे के साथ हुआ था। जब देश का किसान तकलीफ के अंदर था, तब हरियाणा उत्तर प्रदेश के किसान नेताओं ने कहा, हनुमान जी हमारे सारे सांसद भारतीय जनता पार्टी में, अगर एक व्यक्ति को उम्मीद की किरण किसी में दिखती है तो देश का एकमात्र सांसद हनुमान बेनीवाल है, जो एक यूनिवर्सिटी से चल के किसान का बेटा यहां तक पहुंचा है। अगर आप इस NH-8 को जाम कर दो जयपुर दिल्ली के राजमार्ग को, तो हमें बहुत बड़ी ऊर्जा मिलेगी। भाइयों, मोदी की सत्ता को ठोकर मार के अगर NH-8 को जाम करके NDA किसी ने उत्तर भारत में छोड़ा, वो नागौर का सांसद था जिसने इस कौम का मान और सम्मान इस देश के अंदर बढ़ाया। और जब अग्निपथ आया, जब सेना के सम्मान को ठेस लगी, जब सेना को ठेके पे दे दिया, देश का कोई सांसद नहीं बोला। लोकसभा के अंदर और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके प्रधानमंत्री को अगर चुनौती दी, तो नागौर के सांसद ने कहा, प्रधानमंत्री जी हम उस कौम से आते हैं जिस कौम ने कई बार दिल्ली का तख्त बदल दिया, इसलिए हमसे मत टकराओ। अरे उसी का परिणाम था कि 25% अग्निवीर को पहले कहते थे हम भर्ती करेंगे बाकी वापिस जाएंगे, और हम यह कह रहे थे कि अग्निवीर की ट्रेनिंग ले हुआ अगर 75% वापिस आएगा, वो अलगाववाद पैदा करेगा देश के अंदर, वो पैरामिलिट्री फोर्स जहां अंदरूनी हिंसा के लिए रहती है, वो पैरामिलिट्री फोर्स मिलिट्री की ट्रेनिंग के आदमी के सामने टिक नहीं पाएगी। भाइयों, दबाव का परिणाम यह हुआ कि 50% पे आ गए, कि 50% को वहीं शिफ्ट कर देंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एक हुकार आप भरोगे और 2 लाख की संख्या में दिल्ली की तरफ चलोगे, तो जिस तरह प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि बिल वापस लिए, अग्निपथ भी वापस लेना पड़ेगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और ये लड़ाई कोई नहीं लड़ सकता, लड़ाई लड़ने के लिए इस मंच में बैठे लोग ही आपको नजर आएंगे। मैंने देखा है सारा इलाका, जब दिल्ली गया तो एक चीज मलिक साहब मैंने सीखी कि देश के किन नेताओं में दम है और किन में दम नहीं है, उसको नजदीकी से लोकसभा के अंदर किसी ने देखा, तो नागौर के सांसद ने देखा। अगर मैं MP नहीं बनता तो माल ने आप सबकी चिंता करी थी, मैंने कहा मेरी वजह से कोई मेरा व्यक्ति हार गया तो मुझे लोग कहेंगे कि एक हनुमान आया था जिसने पार्टी बनाई और नाश कर दिया, इसलिए मैंने आप सबकी चिंता की। और मैं अब ये कुर्बानी इस राजस्थान को बचाने के लिए देंगे, इसलिए इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तमाम सीटों पर राजस्थान से चुनाव लड़ेगी, यहां से भी चुनाव लड़ेगी, ये घोषणा आपके बीच करके